आज मैं कौन से बिल्कुल ही नया नाश्ता बनाने जा रही हूँ। कौन तो आपने बहुत बार खाए होंगे लेकिन इस तरह से नहीं। तो ये सिक्किम का ट्रेडिशनल फूड है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कौन का छिलका है जो निकाल लिया है। तो गैस पर मैंने कुकर को रख दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। और इसमें हम कॉर्न को डाल देंगे। और ढक्कन से हम ढक देते हैं। 2 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर सीटी आ गया है तो गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो ये देखिए सीटी ये जो ठंडा हो गया है। तो अब हम आपको खोल के दिखाते हैं। ये देखिए तो ठंडा होने के बाद हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ निकाल लिया है। तो इस तरह से हम एक एक दाना इसमें से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज को बारीक टुकड़ों में काटा है और 1 टमाटर को मैंने यहाँ बारीक टुकड़ों में काटा है और यहाँ पर 2 मैंने हरा मिर्च को लंबे टुकड़ों में काटा है। यहाँ पर हमने कॉर्न को निकाल लिया है और गैस पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसमें हम डाले हैं 1 चम्मच बटर। बटर है जो गर्म हो गया। तो इसमें हमने हरा मिर्च डाला है, बारीक कटा हुआ मैंने यहाँ प्याज डाला है। अब बारीक कटा हुआ मैं इसमें हम टमाटर को डालेंगे और अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिला लिया है। 2 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन से ढक देते हैं ताकि टमाटर है जो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए 2 मिनट हो गया है और टमाटर जो सॉफ्ट हो गया है। तो फिर से हम इसे मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच से हम डालेंगे इसमें चाट मसाला और सबको हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मिला लिया है। इसमें हम डालेंगे उबला हुआ कॉर्न को और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे 2-3 मिनट तक। तो इसमें जो चाट मसाला डालते हैं उससे ये काफ़ी ज़्यादा चटपटा लगता है। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो इसे जो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तब ये हो गया है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो ये खाने में बहुत ही चटपटा है और ये बिल्कुल ही नया नाश्ता है। उम्मीद है कि यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आया होगा। इस रेसिपी को घर पर आप ज़रूर ट्राई करना और पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।